अस्सलामुअलैकुम। तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड के घर पे और उसने रखा है हमारे लिए नाश्ता, तैयार किया है साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जो है हम उसके घर में करने जा रहे हैं। तो बस अब चलते हैं और जाके करते हैं नाश्ता। आ चुके हैं हम उसके घर पर, फ्लोर पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह मेजबान। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना हाँ जी, क्या हो रहा है? माशाल्लाह से हो गया, तैयारी चल रही है। ये खोपरे की कोकोनट की, कोकोनट ये भी कोकोनट की, ये प्लेन कोकोनट चटनी और ये टमाटो और लाल मिर्ची वाली चटनी। ओके। और ये उपमा और ये वड़ा, ये इडली। माशाल्लाह, ये इडली है। खाऊंगी डोसा फ्रेश फिर वो सॉगी हो जाता है। और मैंने ये थोड़ा ही मंगवाना है जस्ट तुम्हें, तुम लोगों को टेस्ट कराने के लिए। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अभी तीन दोस्त और रहती हैं आने के लिए। चाय भी होगी, बनाओ। ये डोसा का जो मैरिनेशन है ये रेडी है और ये ऑयल में है प्याज, ताकि इससे डोसा जो है वो चिपके ना, ऐसे गोल 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 करके जो है। तो डोसा हो रहा है रेडी और बाकी चीजें जा चुकी हैं टेबल पर, तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो टेबल लग चुकी है। चले आइए बैठे। पर मैंने बनाया नहीं है, मंगवाया। ये केक आया है और ये जनाब, सारी फ्रेंड्स जमा हो चुकी हैं। आ जाओ आ जाओ भाई, शायद चाय हो, शायद चाय हो, चाय आई। बस एक फ्रेंड रह गई है। उपमा है सूजी से बनता है, ये चटनी टमाटो की, टमाटो और कोकोनट, ये प्लेन कोकोनट, ये सांबार, वो इडली वाइट वाला और ये मेंदू वड़ा और डोसा आ रहा है गरम गरम आ रहा है। ठीक है, सर्व करते हुए। ओके। जब भी तुम लोगों का मन करे मुझे बताना, मैं बनाऊंगी। ये आज मजेदार बना है, बहुत मजेदार है ना। अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जैस्मिन के घर आए नहीं, पहले तो मैंने आज हमने हमारा साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट अरेंज किया है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना। चल इडली बोल, इडली बोलते ये बन रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर के साथ डोसा चटनी और ये बस रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये बनाया है आपने कैसे? अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। इसका टेम्परेचर भी अगर बहुत गर्म हुआ तो वो बनेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा, घूमेगा नहीं, इसलिए उसको तेल लगाना पड़ता है, पानी का छीटा देना पड़ता है ताकि इसका टेम्परेचर ठीक आए, तभी वो बनेगा। इसके नखरे बहुत है डोसा के। हाँ। लेकिन यार इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए होगी ना, फिर शायद ये भी इसमें प्रैक्टिस हो गई है। हाँ, वो घुमाने का जैसे वो उसको जो मैंने कहा इसको दिया कोमल को, वो बहुत अच्छा बना। ये थोड़ा गरम तवा था, कोई बात नहीं, ये भी सही है, चलेगा।
हमारा छोटा है लेकिन जो शॉप में मिलता है वो तो और भी बड़ा होता है। मुर्गे तो तवे बड़े होते हैं ना घर में, हम लोग घर का यही है। सही सही, घर के और कुछ नहीं। चले जी ये बन गया है, हाफ कर दो। चले जी गरम गरम डोसा। प्रोटीन फैट परसेंटेज कम होना चाहिए, वो तभी होगा जब आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे, जब आप हाई प्रोटीन लो कार्ब हाई फैट डाइट पे जाएंगे। तो लेकिन हम कार्ब कितना लेते हैं, मुझे नहीं याद। हम बहुत लेते हैं, कितना लेते हैं? मैं कांट हूँ ना, कौन खाएगा? खाएगा या यार, ईट इट, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? हाफ कर लो, ये नहीं काटो, ये वाला काटो। ऑब्वियसली ईट इट यार, हाफ पार्टी। फाइनली हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। जैस्मिन ने बहुत यम्मी बनाया था। ये हमारी दोस्त हैं, इंडिया से हैं, कोलकाता से हैं, मुस्लिम हैं, तो जायकेदार तो बनाया था, लेकिन जिस तरह उन्होंने पेश किया हमें और जिस तरह हमें सर्व करके और गर्मा गर्म हमें खिलाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। दुआ है कि इसी तरह आपके दस्तरखान में है बरकत रहे और आप खुश रहें और सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच अगेन, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।